पौड़ी के बस स्टैंड में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब आपदा कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि बस अड्डे में भूकंप के झटके से एक बस के अंदर बैठे कुछ यात्री घायल हो गए हैं, जिसके बाद एक एक करके सभी विभागों के जिला अधिकारी बस स्टैंड पर पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। वहीं जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में 3 घायल तो बच गए, लेकिन 1 घायल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आज कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी, सूचना के आधार पर मैं एसी कमांडर को अपनी पूरी टीम को लेकर के यहाँ आया। उसमें हमारी मेडिकल की टीम थी, पीडब्ल्यूडी की टीम थी, फूड और सप्लाई से हमारे साथ आदमी थे। यहाँ पर देखा तो बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। इसमें 3 लोग घायल थे, 1 की कैजुअलिटी, 4 लोगों को और सभी को एम्बुलेंस से भेज दिया गया।